क्रोटोव का एक प्रॉब्लम है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन, और ऐसा प्रॉब्लम एग्ज़ाम में आई एम श्योर कभी नहीं आएगा। फिर भी इसको कर लेते हैं, क्योंकि मेरे से डाउट पूछा था, तो इसीलिए मैं इसको टेकअप कर रहा हूँ। इसमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके अंदर एक और ट्राइंगल है, उसके अंदर एक और ट्राइंगल है, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, और हर ट्राइंगल का जो डायमेंशन है साइड का, वो हाफ होता जा रहा है। तो हाफ की जगह हम बोलते हैं हर ट्राइंगल जो है के फैक्टर से चेंज हो रहा है, और के का वैल्यू है 1/2। सो जो लेंथ इनिशियली यहाँ पे ए है, सब साइड की इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, ये ए है और ये ए है, और रेजिस्टेंस होगा क्योंकि रो जो है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है रो ए। अगर मैं इसको हाफ हाफ पार्ट देखूं, क्योंकि मुझे वही देखना है, ये रो ए अपॉन टू है, ये रो ए अपॉन टू है, ये रो ए अपॉन टू है, ये भी रो ए अपॉन टू है, और ये भी रो ए अपॉन टू है, मैं रो ए अपॉन टू को जो है स्मॉल आर लिख लेता हूँ, कैलकुलेशन में इजी रहेगा। अंदर जो है ये वाले पार्ट जो है रो ए अपॉन फोर है, ये रो ए अपॉन फोर है, यहाँ रो ए अपॉन एट एट, ऐसे करके जो है हाफ होता जा रहा है। इस प्रॉब्लम को करने में से पहले मैं एक सिंपल प्रॉब्लम लेता हूँ, जिसमें के का फैक्टर का यूटिलिटी, के का फैक्टर जब यूज़ करते हैं तो क्या होता है। ये सिर्फ सीरीज़ है, आपने किया होगा, सारी बुक्स में ऐसे प्रॉब्लम है सीरीज़ वाले, और सब करते हैं बच्चे, और एग्ज़ाम में तो कह रही है कभी नहीं आएगा, आई एम श्योर। एनी वे, सो ये सर्किट है, इसमें आर वन आर टू है, यहाँ पे के आर वन के आर टू है, यहाँ पे के स्क्वायर है, फिर के क्यूब है, सो के फैक्टर से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। सपोज़ यहाँ रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट था आर ई क्यू, मैं इसी वाले सर्किट में हर रेजिस्टेंस को के से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैं लिखूंगा के आर वन के आर टू, हर एक को मैंने के से मल्टीप्लाई कर दिया, के स्क्वायर आर वन के स्क्वायर आर टू के क्यूब आर वन के क्यूब आर टू एंड सो ऑन, चलता जा रहा है। तो बेसिकली ये मेरा क्या है, यही रेजिस्टेंस जो था इसको मैंने के से मल्टीप्लाई किया, और जब भी किसी सर्किट में सारे रेजिस्टेंस को, अगर सपोज आप कोई भी सिंपल सर्किट लेके देख लीजिए, करके देख लीजिए उसको, ये आर ए है, ये आर बी है, ये आर सी है, इसका कोई एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, आप सबको फिर के से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हर एक को फैक्टर सेम रखना है, इससे कन्फ्यूज मत करना, यहाँ हर एक कोई अलग फैक्टर से चेंज हो रहा है, हर रेजिस्टेंस वो अलग चीज़ है, मैं एक सर्किट की बात कर रहा हूँ, पूरे सर्किट में हर रेजिस्टेंस को सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसका जो है, अगर आर ई क्यू था तो के टाइम्स हो जाएगा, यहाँ पे यानी कि रेजिस्टेंस है के आर ई क्यू, ये वाला, क्योंकि पहले वाले का अगर आर ई क्यू था तो इसका के आर ई क्यू होगा, क्योंकि सारे रेजिस्टेंस को मैंने उसी पैटर्न को, पैटर्न नहीं चेंज किया, ये एक रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन था, उस कॉम्बिनेशन में मैंने हर रेजिस्टेंस को के से मल्टीप्लाई किया, तो के आर ई क्यू हो गया, और ये वही है जो यहाँ पे है, ये आप यहाँ से देखिए, क्योंकि इनफाइनाइट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक हटा भी लेंगे उसमें से, ये वही चीज़ है जो यहाँ पे है, तो इसको मैं क्या करूँगा, ऐसे रिप्लेस करूँगा आर वन आर टू। अब आपको हिंट मिल गया होगा, उस प्रॉब्लम में यही करना है, वैसे भी बुक में दिया हुआ है, ये हो गया आर ई क्यू के टाइम्स, और ये है आर ई क्यू यहाँ पे। अब आप इसका क्वाड्रेट, इसको जो है सिंपल सर्किट बन गया है, जो आपने सब बुक्स में किया होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। अब आते हैं पहले वाले क्वेश्चन में, एक तो ये कंसेप्ट है, अब पहले वाले क्वेश्चन में आपने ये भी जो है इसका सिंपल वर्जन ऑलमोस्ट सारी बुक्स में देखा हुआ है, और वो वर्जन है ऐसा, ये सर्किट है सिंपल सा, ऐसे ट्रायंगल शेप में आपको ऑलमोस्ट सारी बुक्स में मिलेगा, वो भी एग्ज़ाम में मेरे ख्याल से, कंपटीशन में तो कभी नहीं आएगा मुझे लगता है, ऐसा सिंपल मैटर, और ऊपर वाला इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं आएगा, कंपटीशन में समवेयर इन बिटवीन आते हैं जनरली, ये अगर है, और यहाँ पे ऐसे करके हमें सर्किट दिया हुआ है, अगर ये हम इसका ऐसे जो नोट जो आउटपुट पॉइंट्स हैं उनको देख, उनके रिस्पेक्ट में हम अगर इसकी सिमेट्री देख सकते हैं, इसको मैं दोनों साइड वर्टिकली मैं देख रहा हूँ, सिमेट्री है, तो यानी कि ये करंट आई ए है, तो यहाँ पे भी करंट आई ए बाहर निकलेगा, सिमेट्रिकल है,
पैटर्न एकदम सिमेट्रिकल है अगर, और यहाँ पे आई बी है तो यहाँ पे आई बी निकलेगा। ऐसी सिचुएशन में क्योंकि ये आई बी स्ट्रेट जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं है इस पॉइंट पे, इसको हम तोड़ देते हैं। तो क्या करते हैं, इसको हमने वही व्हीटस्टोन ब्रिज में भी यही होता है, ये करके हमने इसको तोड़ा तो ये सर्किट ऐसा बना, उसको हमने हटा दिया वहाँ से, ये सर्किट ऐसा बना। तो बेसिकली हमने अंदर वाला जो है वो सर्किट यहाँ पे एक इक्विवेलेंट कोई रेजिस्टेंस निकाला, ये आर डैश है, तो इन दोनों के बीच में आर डैश लगता है। ये जो है, ये जो ट्रायंगल अंदर है, ये वही पैटर्न है उस वाले केस में जो बाहर वाला ट्रायंगल अंदर पैटर्न चेंज हो रहा है। तो इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर ये आर इक्विवेलेंट है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, के का फैक्टर आर ई क्यू, क्योंकि हम वही ट्रायंगल के दो एंड्स, यहाँ पे भी ट्रायंगल के दो एंड के बीच में हमने रेजिस्टेंस देखा था, और अंदर जो है उसके भी दो एंड के बीच में देखना है। वो अलग बात है, इसके अंदर और है, इसके अंदर और है, छोड़ दीजिए उसको, यही है दो एंड के बीच में हमें चाहिए, इन दोनों एंड के बीच में क्या होगा। तो अगर ये आर ई क्यू है तो सेम पैटर्न में जब के फैक्टर से रेजिस्टेंस चेंज हो रहे हैं तो अंदर आर ई क्यू होगा, सो के टाइम्स आर ई क्यू होगा। तो रेजिस्टेंस क्या बना, हमारा डायग्राम बना ऐसा। ये बना डायग्राम आपका ऐसा, फाइनली ये के आर ई क्यू है, ये आर 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 है, और रेजिस्टेंस जो है ए बी के बीच में ये आर ई क्यू है। आर ई क्यू को मैंने जो है आर लिख लेता हूँ, सिंपल लिखते हैं, ई क्यू ई क्यू लिखने से गलती हो जाता है, बेटर है सिंपल लिखे। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है इन दोनों पॉइंट के बीच में, ये लिखता हूँ सी डी और ये लिखता हूँ ई और एफ। वैसे अब आगे मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग कर लेंगे, मैं जस्ट एक स्टेप करके अब छोड़ देता हूँ, क्योंकि वैसे भी इसमें इतनी कैलकुलेशन है, और जब टैप पे कर रहे होते हैं, देखते स्क्रीन पे हैं, हाथ टैप पे चलता है, तो इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक, कंसंट्रेशन टूटती है रिकॉर्डिंग करते हुए, सो कंसंट्रेशन इसमें टूट गई तो गलत हो जाएगा, पर कंसेप्ट यही है। कैलकुलेशन आप अपने आप कर लेना, मैं एक दो स्टेप वर्क कर देता हूँ। आर सी डी की वैल्यू कितनी है, आर सी डी की वैल्यू है के आर, आर ई क्यू में आर लिख रहा हूँ, आर ई क्यू को मैंने जो है आर से रिप्लेस कर दिया, के आर इंटू ट्वाइस आर अपॉन ट्वाइस आर प्लस के आर, ये आपका वैल्यू है आर सी डी का ये। और आर ई एफ कितना होगा, आर ई एफ होगा ट्वाइस आर प्लस आर सी डी, और ए बी के बीच में कितना होगा, आर ए बी होगा, आर ए बी का जो वैल्यू होगा, क्योंकि अब ये पैरेलल हो गया, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे आया, ये मैं जो दिखा रहा हूँ, ये जो है आर ई एफ है, ये इनके पैरेलल है, उसका वैल्यू हो गया ट्वाइस आर इंटू आर ई एफ अपॉन ट्वाइस आर प्लस आर ई एफ। अब अगर गलती नहीं हो तो आप वैल्यू रखते जाइए, आर ए बी जो है आर है, आर इज इक्वल टू ट्वाइस आर इंटू आर ई एफ की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस आर प्लस आर सी डी अपॉन ट्वाइस आर प्लस ट्वाइस आर प्लस आर सी डी। ट्वाइस आर आप कैंसिल कर दीजिए, ये ट्वाइस आर को हटाइए, नहीं यहाँ कैंसिल नहीं कर सकते, अभी नहीं कर सकते, नेक्स्ट स्टेज पे कैंसिल करेंगे, क्योंकि मैंने किया था इसलिए जस्ट ट्राई किया। अब इसको फर्दर और सॉल्व कीजिए, आर सी डी का वैल्यू रखिए ट्वाइस आर इंटू ट्वाइस आर प्लस आर सी डी का वैल्यू है के आर ट्वाइस आर अपॉन ट्वाइस आर प्लस के आर। हॉरिबल कैलकुलेशंस। और नीचे जो है ट्वाइस आर प्लस ट्वाइस आर प्लस आर सी डी की वैल्यू के आर ट्वाइस आर अपॉन ट्वाइस आर प्लस के आर। अब मेरे ख्याल से आप उस पोजीशन में हैं जब ट्वाइस आर को आप हटा दीजिए, ट्वाइस आर ट्वाइस आर ट्वाइस आर ट्वाइस आर हटाइए इसको, तो ऊपर आया ट्वाइस आर
इंटू ट्वाइस आर प्लस के आर प्लस ट्वाइस आर के आर, और नीचे आया टू इंटू ट्वाइस आर प्लस के आर प्लस के आर, इसका वैल्यू आया ये है फोर आर स्क्वायर प्लस फोर आर के आर, और नीचे आ रहा है हमारा फोर आर प्लस थ्री के आर इज इक्वल टू आर। के की वैल्यू कितनी है, वन अपॉन टू है, तो ये हमारा आ रहा है थ्री आर स्क्वायर अपॉन टू प्लस फोर आर आर इज इक्वल टू फोर आर स्क्वायर प्लस के की वैल्यू वन अपॉन थ्री ट्वाइस आर आर। तो ये आई डोंट नो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, हो गया हो, आप करेक्ट कर लेना, मेथड यही रहेगा थ्री आर स्क्वायर अपॉन टू प्लस ट्वाइस आर आर माइनस फोर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आ रहा है थ्री आर स्क्वायर प्लस फोर आर आर माइनस एट आर स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आर का वैल्यू हुआ माइनस फोर आर प्लस माइनस सिक्सटीन आर स्क्वायर प्लस एट आर स्क्वायर इंटू थ्री इंटू फोर अपॉन टू। तो इसका वैल्यू हमारा आया माइनस फोर आर प्लस माइनस, यहाँ पे सिक्सटीन आर स्क्वायर कॉमन लिया फोर आर, अंदर आया सेवन अपॉन, यहाँ पे आया टू, और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है रो ए अपॉन टू इंटू थ्री भी है यहाँ पे, सॉरी थ्री भी है। तो ये हुआ ट्वाइस आर की वैल्यू है रो है माइनस रो ए प्लस माइनस रो ए रूट सेवन अपॉन थ्री। तो ये आंसर आना चाहिए रूट सेवन को प्लस लेना पड़ेगा माइनस वन रो ए कॉमन ले लीजिए रो ए अपॉन थ्री, अगर ये सही है तो। कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिए, कंसेप्ट यही है।